महिलाओं को सशक्त बनाना एक सिलाई के धागे से। आपकी परेशानियां अनदेखी नहीं है, हम आपकी आवाज सुनते हैं। आपकी ताकत, आपका संघर्ष, आपका सब्र हमें प्रेरित करता है। आप परिवार की रीढ़ की हड्डी हैं, जीवन का आधार हैं और हमारे समाज की नींव हैं। हम आपको स्वावलंबी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि आप अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और अपने हुनर के बल पर अपना जीवन संवार सकें। हमारे उत्वीरांगनाएं द्वारा संचालित सिलाई केंद्रों ने पूरे भारत में 750 से अधिक बैचों को प्रशिक्षित किया है, जिसने हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। हमारी संस्था द्वारा सिर्फ सिलाई ही नहीं, कढ़ाई, फैब्रिक पेंटिंग, ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग, मेहंदी, आर्ट एंड क्राफ्ट आदि मुफ्त सिखाए जाते हैं। इसी कड़ी के तहत आज हरियाणा के सिरसा जिले की एक छोटी सी कॉलोनी कीर्ति नगर में, जहां बहुत सी जरूरतमंद महिलाओं को फ्री में सिलाई सिखाई जाएगी, एक नया सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोला जा रहा है। पेश हैं कुछ झलकियां। मैं यूथ वीरांगना की सदस्य, अपनी अन्य यूथ वीरांगनाओं के सदस्यों के साथ आज आप सब लोगों के बीच में स्टिचिंग सेंटर के उद्घाटन के लिए हम एकत्रित हुए हैं। हमारी यूथ वीरांगना की जो एनजीओ है, उसका मेन मोटो रहता है महिला सशक्तिकरण। इसके द्वारा जो हमारे एनजीओ की तरफ से कार्य किए जाते हैं, वो है महिलाओं के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम उन्हें कोर्सेज ऑफर करते हैं, जैसे कि स्टिचिंग सेंटर जो आज यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है, मेहंदी के कोर्सेज, ब्यूटिशियन के कोर्सेज, या अगर किसी महिला को ये भी इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है तो हम उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई छोटी रेडी लगा कर देना, मूंगफली की रेडी लगा कर देना, छलनी की रेडी लगा कर देना, या कोई चाय की स्टॉल लगा कर देना। जिस तरह का उनका इंटरेस्ट होता है, हम उसी की तरह कोशिश करते हैं कि हम उसी में ही उनको अपने कोर्सेज प्रोवाइड करें। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज आप सब लोगों के बीच में स्टिचिंग सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। ये जो कोर्सेज है वो हमारे यूथ वीरांगनाओं की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफर किए जाते हैं। इसमें जो सिलाई मशीन वगैरह यूज होती है, इसका भी कोई खर्चा स्टूडेंट से नहीं लिया जाता, ये सारा खर्चा हमारी एनजीओ की तरफ से किया जाता है। जो यूथ वीरांगनाएं हैं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और बड़े लगन से कर रही हैं। इन्होंने पहले भी काफी अच्छा कार्य किए हैं, पहले कोरोना के टाइम भी इन्होंने बहुत मदद की है सभी की, और ये अब भी हर तरफ से हर घर में जाके जिस चीज की जरूरत है उनकी बहुत दिल से मदद करती हैं। और सिलाई सेंटर भी इन्होंने कई जगह खोल रखे हैं और मेहंदी के लिए खोल रखे हैं। और कोई किसको जरूरत हो, कोई बीमार है, कोई दवाई लेने लायक नहीं है, तो वहाँ भी ये अच्छा कार्य करते हैं। छोटे बच्चे की निकल तैयार करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी लेंथ लेंगे, लेंथ है इसकी 10 इंच, और उसके बाद हम इसकी चौड़ाई लेंगे, चौड़ाई हमने लेनी है 6 इंच, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी लेनी है मोरी, मोरी 2 इंच आसन और मोरी एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, लेंगे फिर 7 इंच, ठीक है।